हेलो हाँ अब आवाज आनी स्टार्ट हुई होगी सॉरी यार कुछ दिख रहा है हाँ कमेंट आ रहे हैं कमेंट 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 ठीक है, है। कमेंट आ रहे हैं सर अब वॉइस चेक कर लेते हैं पहले ही ठीक है वॉइस ठीक है सब कुछ ठीक है सब कुछ परफेक्ट है एकदम बढ़िया है है ना अब कोई समस्या नहीं है तो गाइज आज हम फिर से डिस्कस करेंगे उसी चीज़ को लेके एक और बहुत ही बढ़िया पेपर इस पेपर में दो पेपर मैंने मिला दिए हैं क्योंकि एन साथ साथ में एम का पेपर आ रहा है पाँच अक्टूबर को है तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सी और सी के बी सी में कंबाइन कर दिए हैं ठीक है थीके? तो सी जी सी एच एस एल और आर आर बी एन टी पीछे तो है इन तीनों के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो है उठा के मैंने डाले हैं ताकि बैलेंस पेपर बनाने की कोशिश की है कि आपको कुछ ऐसा ही एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिले लगेगी कहीं को डिफिकल्ट है कहीं आसान है कहीं कि चलो आराम से हो गया कहीं लगे कि डिफिकल्ट है तो वैसा एक बैलेंस पेपर जो है आज मैंने बनाया है बहुत ही बड़े तरीके के पेपर है सुन लो गुड इवनिंग नमस्कार डीजे आर एन जितेंद्र गोविंद कपिल सभी बच्चे नहीं आए आज यार भैया दिख क्यों नहीं रहे आप लोग इतने कम लोग क्यों दिख रहे हो आज चलो बार धीरे धीरे आते रहेंगे अपने हिसाब से अपने हिसाब से गुड इवनिंग कविता गुड इवनिंग डीजिए गुड इवनिंग सभी को तो गाइज आज के पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं थर्टी एट और आपका जो टारगेट है वो कितना है लगभग लगभग ट्वेंटी वन इतने क्वेश्चन सही करने हैं तुमको ट्वेंटी वन प्लस क्वेश्चन सही करने हैं सब मिस्टर इंडिया हो गए अच्छा भाई सही बात है सब मिस्टर इंडिया हो रहे हैं सब हीरो बन रहे हैं सब हीरोइन बन रहे, हैं। ही रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन क्या है यार ये पेपर तो हो गया था यार कल मैंने कराया था ये पेपर कुछ गड़बड़ तो नहीं है जी एक मिनट रुकना हाँ ये कोई ये पेपर दूसरा है न्यू कर लेते हैं ये पेपर है वो कल रात में मैंने पेपर कराया था ये कल वाला है अन अकेडमी पर हाँ अनकेडमी के ऐप पर मैंने कराया था ये वाला कल पेपर आपको याद आ गया मुझे गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग ये कल वाला है अनकेडमी प्लस पे ठीक है ये पेपर सही है क्वेश्चन नंबर वन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दस हजार रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन सीजी ने बना था बस ये वाला स्टेटमेंट नहीं था उसमें है ना केवल इतना क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दस हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तब भी आंसर सेम ही था तो एग्जामिनर क्या करता है कि एक ही क्वेश्चन को उठा के थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा फिरा के बताने की बात करता है मिताली राज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दस हजार रन बनाने वाली पहली और विश्व की दूसरी महिला बनी है क्वेश्चन नंबर दो भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में तो वर्तमान में टोटल छह मौलिक कर्तव्य हैं सॉरी ग्यारह मौलिक कर्तव्य हैं मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है मौलिक अधिकारों की बात नहीं हो रही है तो ग्यारह मौलिक कर्तव्य हैं ये जो ग्यारह मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें इन्हें 1976 सेवेंटी सिक्स में बयालीसवे संविधान संविधान संशोधन के तहत में ऐड किया गया कहां पर ऐड किया गया आर्टिकल फिफ्टी ए में कहां पर ऐड किया गया आर्टिकल फिफ्टी वन ए में इन्हें ऐड किया गया और इन मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो इन्हें लिया कहां से गया है बोरो बोरो से किया गया तो यू एस एस आर के संविधान से मतलब रशिया के पहले पहले ये USSR हुआ करता था वहां के संविधान से लिया गया है एक समिति भी पूछी जाती है कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की रूपरेखा रखी रक, तो आंसर बनेगा स्वर्ण सिंह समिति क्या नाम बनेगा भाई मेरे स्वर्ण समिति और अगर हम बात करें कि भैया कौन कौन से हैं तो संस्कृति को समृद्ध विरासत को संरक्षित करना सद्भाव और भाईचारिक भाव को बढ़ाना बिल्कुल सही है मानव के अवैध प्रेग के विक्रय श्रम के निषेध करना और वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना तो कौन सा लग रहा है जो नहीं है इसमें तो यही वाला लग रहा है मानव के अवैध प्रेग विक्रय और बलात् श्रम का निषेध करना ये मौलिक अधिकार में आ जाता है मौलिक कर्तव्य की जगह क्वेश्चन नंबर तीन अठारह के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम अठारह सौ बी डी सावरकर सा ने इसकी किताब लिखी है अठारह की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम लेकिन आरसी मजूमदार बी डी सावरकर की बात से सहमत नहीं होते हैं आरसी मजूमदार कहते हैं कि अगर तुम अठारह की क्रांति को ध्यान से पढ़ोगे तो लगेगा कि ना तो ये कोई स्वतंत्रता संग्राम था ना तो ना तो ये पहला स्वतंत्र संग्राम था और ना ही कोई मतलब ही कोई इस तरीके की बड़ी घटना थी देशवादी ये स्वतंत्रता को लेकर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं हर छोटे छोटे राजा छोटे छोटे रजवाड़े अपने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे किसी का किंगडम किसी का राज्य रजवाड़ा हड़प की नीति के तहत अंग्रेजों ने हड़प लिया तो वो इसलिए लड़ रहे हैं झांसी है बहुत सारे ऐसे नाना साहब वगैरह वगैरह कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था कोई चरी वाले कारतूसों के लिए लड़ रहा था कोई सन्यासियों के लिए लड़ रहा था तो हर किसी का अपना अपना एक लॉजिक था इसीलिए कोई भी स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहा था उसका तत्कालिक कारण था चरबी वाले कारतूस मंगल पांडे पहले मुख्य केंद्र बनते हैं उनको एक अंग्रेजी पर वो जो है आक्रमण कर देते हैं उसके बाद तो उन्हें फांसी दे दी जाती है और उसी के प्रतिशोध में मेरठ की चौंतीसवीं इन्फेंट्री इसका विद्रोह कर देती है और शास्त्रागार को लूट लेती है मेरठ से आगरा की तरफ चलते हैं आगरा दिल्ली आगरा पहुंच के दिल्ली पहुंच के जो है वो बहादुर शाह जफर को मुगल राजा घोषित कर देते हैं और फिर अट्ठास्तन क्रांति छिड़ जाती है क्वेश्चन नंबर चार मार्च 2021 में इनमें से किस देश ने भारत में मानल निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण प्रसाहित करने के लिए असम के लाल चावल की पहली खेप प्राप्त की है अब एनफील्ड राइफल थी जिसकी कॉटलेज को टीच से काटना पड़ता था बिल्कुल सही है एनफील्ड राइफल के बारे में बात करी गई बिल्कुल सही क्वेश्चन है बताइए मार्च 2021 में पहली राइस की जो असम का जो क्या है असम के लाल चावल इसकी खेप दी गई है किसे दी गई है यूएस को दी गई है राइट आंसर क्या बनेगा यूएस विल बी द राइट आंसर तो करंट अफेयर क्वेश्चन है आपको देखना पड़ेगा स्टॉक घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है कथन और उसने ऑलरेडी हिंट में यहां दे रखा है कि पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है तो जो कथन पढ़ोगे अपने आप तुम्हें आस, आंसर मिल जाएगा ये चारों कथन ध्यान से पढ़ो और आंसर दो सबका आंसर आना चाहिए केवल कपिल ने भी आंसर दिया है बस बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया है आर्यन ने आंसर दे दिया है अमित ने आंसर दे दिया है भाई ऋषभ ने आंसर दिया है कविता ने आंसर दिया है शिवशंकर ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम का एक, एक ही बड़ी संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन नेशनमेंट प्रोग्राम यू एन ई पी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम आपको यह बताना है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है फटाफट आंसर दो वेयर इज द हेड क्वार्टर आंसर बिल्कुल सही है नैरोबी इज द राइट आंसर कहां पर है नैरोबी में नैरोबी केन्या क्वेश्चन नंबर स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग का उपयोग किस चीज को कम करने के लिए यहां पे खाली स्थान है को कम करने के लिए किया जाता क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम इज यूज टू रिड्यूस द यूज ऑफ दिस किस चीज के लिए करते हैं पानी की कमी ध्वनि प्रदूषण ग्रीन हाउस उत्सर्जन और बनो उन्मूलन तो अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर दिखाई देगा विजिबल होगा कि अगर हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म डेवलपमेंट जब करते हैं तो धुआं निकलता है और जब हम क्लीन की बात करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है मतलब जो ग्रीन हाउसेज गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को कम करना तीसरा आंसर सही हो जाएगा है ना तीसरा आंसर सही हो जाएगा इसी तरह से कोटोटो पैरिस सम्मेलन है वो भी इसी को लेकर प्रोटोकॉल है वो भी इसी को लेकर है। मॉन्ट्रियल है वो ओजोन लेयर वाला है क्वेश्चन नंबर सात भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता स्वेटर वेटर तो आप लोग पहनते ही होंगे स्वेटर ऊन के बनते थे ना अब तो खैर बहुत सारी चीजें आ गई हैं है ना पहले एकदम प्रॉपर ऊन लाई जाती थी मार्केट से खरीद कर उससे स्वेटर बनाए जाते थे अब ऊन क्या है बहुत पतला सा रेशा होता है उसके बीच में एयर फंस जाती है और गर्म करता है ये एयर फंसेगी तो डेफिनेटली अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकलने देगा और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगा और वो गर्म करेगा तो जो ऊन बनती है तो भीड़ से निकाली जाएगी अब भीड़ से अब निकाली जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उस प्रक्रिया को कर्तन कहा जाता है शेयरिंग कहा जाता है है चौथा आंसर आंसर सही डी इज द राइट अब देखिये भीड़ दिख रही है आपको तो ये बहुत मोटी हो जाती है मतलब बहुत ज्यादा इसमें क्या आ जाता है बहुत ही ज्यादा जो है वो ऊन आ जाती है जब एकदम भारी हो जाती है चलना फिरना उसका कम हो जाता है तब इसको फिर दोबारा से एकदम से एकदम खाली कर दिया जाता है इसे क्या कहते हैं शीरिंग कहते हैं इसे खातम कहते हैं क्वेश्चन नंबर आठ आठ क्या है जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इनमें से कौन सी औपनिवेशिक संरचना कोलकाता को पुनः समर्पित की गई जिससे 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित था विलबी हाउस मुद्रा भवन विक्टोरिया विक्टोरिया मेमोरियल हॉल या फिर मैट कैफ हाउस हेलो अंजू कैसी हैं बताइए आंसर। अब देखो हुआ क्या कि बंगाल में कलकत्ता में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती थी पहले इसका हिंट पता कहां पे है ये हिंट इसका भारतीय रिजर्व है। रिजर्वे. तो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे था कलकत्ता में था और कलकत्ता में एक बिल्डिंग थी जहां पर ये संचालित होती रही कब तक 1937 तक क्या बनेगा इसमें तो ऑलरेडी इस लिखा हुआ है मुद्रा भवन करेंसी बिल्डिंग तो करेंसी बिल्डिंग, हाउस हाउस, और इन तीनों को दोबारा से अच्छे तरीके से पुनर्जीवित किया गया बनाया गया उसमें कंस्ट्रक्शन किया गया और इसमें ये वाले भवन को कलकत्ता को वापस कर दिया गया तो मुद्रा भवन राइट आंसर आप देख सकते हैं पर करेंसी बिल्डिंग जिसके बारे में बात कर रहे हैं करंटी करेंसी बिल्डिंग है मेट कैप हाउस है बहुत सारे हाउसेज है उन सभी को दोबारा से बनाया गया 2020 में संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया जिसका उपयोग ऋण और अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा कभी कभी जमीन होती है हमें लोन लेना है जमीन दिखा के हम लोन लेते हैं होम लोन वगैरह आप कह सकते हैं तो जब जमीन दिखा के हम होम लोन लेते हैं तो बैंक जो है बहुत सारी फॉर्मलिटीज मांगती है आपसे तो उसके लिए सरकार ने क्या किया एक कार्ड बना दिया इस कार्ड में सारी चीज की सारी संबंधित जानकारी होगी सीधे सीधे बैंक इसका उपयोग कर सकते मतलब यह है कि कभी कभी फर्जीवाड़ा भी हो जाता है आपने देखा होगा एक व्यक्ति की जमीन है दूसरे व्यक्ति ने आया घर बना लिया बीस साल बाद दोबारा लौट के आया तो पता चला घर ही बन गया उसकी जमीन पर तो ऐसे केसेस ऐसे फर्जीवाड़ों को देखने के लिए रोकने के लिए सरकार ने एक स्कीम चला की थी जिसका नाम था स्वामित्व स्कीम क्या नाम था स्वामित्व स्कीम सेकेंड विल बी द राइट आंसर समझ गए अब देखो बहुत ज्यादा होता है फर्जी फर्जीवाड़े एक जमीन होती है एक प्लॉट होता है एक ही व्यक्ति एक प्लॉट को चार लोगों को बेच देता है पैसे लिए चार लोगों से और रफू चक्कर हो गया अब आप लड़ते रहिए आपस में किसकी जमीन है किसकी नहीं है बहुत ज्यादा होता है तो प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं मकान खरीदते हैं घर खरीदते हैं तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखो उसकी प्रॉपर्ली जानकारी लो कि वो किसकी जमीन है कैसी जमीन है सोसाइटी की जमीन तो नहीं है विवाद तो नहीं है उस जमीन के ऊपर ऐसा तो नहीं कि बिल्डर आपको जबरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रॉपर कागजात नहीं है सभी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है ठीक है इन सभी चीजों में बहुत ध्यान रखना होता है तो पीएम मोदी लौ। right. तो बार विक्षेपण होता है एक बड़े साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया कंपास रखा और कंपास से जो है यहाँ पे नॉर्थ होगा यहाँ पे साउथ होगा और यहां से बिजली लेके गए जितने बार इसमें बिजली लाई जाती थी उतने बार कंपास डिफ्लेक्ट करता था यह कंपास क्या करता था डिफ्लेक्ट करता था तो इस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है कि कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये सारी खोज की है। हेलो विस्ट जी कैसे हैं मैथ जी एकदम से ही क्यों भी रॉन्ग पता नहीं क्या लिखा है इतना बड़ा क्या आंसर बनेगा सीवी रन तो होंगे नहीं ठीक की की है थॉमस एल्वा एडिसन इन्होंने बल्ब का विस्कार किया था इनको भी हटा दोन ऑस्टेड द राइट आंसर इज ऑस्टेड दिस इज द राइट आंसर इन्होंने इसकी खोज की थी ये देखिए ये ऑस्टर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये है वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें जितने बार ये इलेक्ट्रिसिटी को कंपास के पास में रखते थे उतने बार कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट होता था है ना? क्यों डिफ्लेक्ट होता था? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, उसमें भी साउथ होता है नॉर्थ होता है समझे? आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग बारांगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी रुद्रमा देवी बारंगल की बात हो रही है ठीक है थोड़ा साउथ में जाएंगे हम लोग तो बारंगल में कौन सा अब अब देखोगे चोल और चालक तुमने अच्छे से पढ़ रखे हैं तुम्हें चोल भी पता है कि उनमें कौन सा वंश चलता है चालक भी पता है तुमको कौन सा है वंश है तो चोल और चालुक हटा दो तो बचा हमारा काकतीय वंश तो रुद्रमा देवी जो है वो काकतीय वंश की डायनेस्टी से संबंधित थी और अगर हम इस वंश की बात करें तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं समझिए कि कहां पर है तो काकतीय वंश ये है दिख रहा है आपको ये है काकती वंश वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है उसका छोटा सा भाग है वारंगल का छोटा सा एक एक एरिया मान लो कर्नाटक है तो ये है काकतीय वंश और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो है प्रोल राज प्रथम ये वैसे इसके पहले राजा तो कौन थे बेतराज प्रथम लेकिन जो संस्थापक माने जाते हैं वो प्रोल राज प्रथम को माना जाता है एक इंटरेस्टिंग चीज और यहाँ पर मानी जाती है कि जो वर्तमान में कोहिनूर हीरा है तो कोहिनूर हीरा सबसे पहले काकतीय राजाओं के पास ही था कोहिनूर हीरा सबसे पहले काकतीय राजाओं के पास ही था पर धीरे-धीरे करके ये आगे बढ़ता गया ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 12 क्वेश्चन है कि चोल राजाओं में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता देखो चोल साम्राज्य में भूमि को दान किया जाता था अलग-अलग उद्देश्यों के लिए और ऐसी दान की गई भूमि का नाम भी हुआ करता था जैसे ब्रह्मदेह का मतलब है कि ब्राह्मणों को दान की गई भूमि ठीक है एक मैंने बता दिया आपको का मतलब क्या है ब्राह्मणों को दान की गई भूमि ठीक है देखिए देखिएगा मेरी आ रही है आवाज अब इंटरनेट गड़बड़ कर गया था अब ठीक चल रहा है अब ठीक चल रहा है हम्म, इंटरनेट गड़बड़ कर गया था पूरा का पूरा जो है गबड़ हो गया था चला गया था मतलब इंटरनेट बीच में अचानक से तो अभी ठीक चल रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है अभी प्रॉपर है मतलब तो दो होते हैं ना फाइव जी है एक फोर जी है तो फोर जी चल रहा है तो कौन सी मूवी है इस मूवी का नाम है मरकर द लाइन ऑफ अराबियन सी है ना अरबिका दलते सिमहन तो ये दिस इज द राइट आंसर जिसको ये अवार्ड मिला है क्वेश्चन नंबर चौदह प्रोफेसर शरद पगारी को इनमें से किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित ब्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया देखो इस ब्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो इसके 2000 कौन सा ये 2020 वाला है 2019 का जो ब्यास सम्मान है वो एक किताब थी कागज की नाव तो कागज की नाव किताब के लिए रश्मिका शर्मा को दिया गया था 2019 का और 2020 का जो ब्यास सम्मान है यह किसको दिया गया है तो एक किताब है जिसका नाम है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी क्या है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी सम्राज्ञी है ठीक है इस किताब के लिए प्रोफेसर सरद पगारे को 2020 का सरद सम्मान दिया गया तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है आप समझ लीजिएगा ठीक है ये है पाटिल पुत्र की सम्राज की, ना, की है ना किसकी किताब है शायद पगारी की किताब है जब भी मैं किताबों को देखता हूँ तो मुझे सेवन क्लास में वो किताबों की खुशबू होती है ना एक महक होती है किताबों की वो याद आ जाता है कि किसी समय पर ये नॉवल लेके आते थे दस दिन पाँच दिन रखे रखते थे पढ़ते थे फिर जमा करके आते थे फिर दूसरा नॉवल लेके आते थे और दूसरी जो किताब है वो है कागज की नाव तो कागज की नाव किसके द्वारा लिखी गई है नाशरा शर्मा के द्वारा लिखी गई है और शरद पगारी किसके द्वारा लिखी गई है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया है ट्वेंटी सेकंड पीछे चल रहे हो क्या भैया रिफ्रेश कर लो अगर ट्वेंटी ट्वेंटी सेकंड पीछे चल रहे हो तो काफी सारे बच्चे पीछे हो गए होंगे मैं समझ रहा हूं चलो क्या आंसर बनेगा निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक अलाउद्दीन खिलजी गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद सऊ तुगलक तो दोस्तों जिसने भी ये जो है वो सैनिकों के लिए सीरी शहर का निर्माण कराया था उस व्यक्ति ने गुजरात से एक स्लेब खरीदा था एक गुलाम खरीदा था और उसी गुलाम को दक्षिण की विजय पर भी भेजा था इस गुलाम को हजार दीनारी कहा जाता क्या कहा जाता था हजार दीनारी कहा जाता क्या नाम था इस गुलाब का इस गुलाब का गुलाम का नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था इसका मलिक काफूर। ठीक है ये इसका नाम था और अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने सैनिकों के शहर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर सोलह 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं इसे क्या कहा जाता है स्थाई बाजार प्रणाली भी लेके आया था बिल्कुल सही है स्थाई सेना भी रखी थी बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया अलाई दर अलाई दरवाजा बनवाया था खिलाऊ दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल सही हाँ साउथ इंडिया से हीरा लाया था क्या आंसर बनेगा भाई तेईस मार्च और तेईस तो इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स का मतलब जब दिन और रात बराबर होती है बारह घंटे का दिन और बारह घंटे की रात तो तेईस सितंबर तो परसों है तो परसों देखते हैं दिन रात बराबर होती है कि नहीं होती है ठीक है <laughs> क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर सत्रह निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम पैकेज सॉफ्टवेयर डिस्क डी इक्विटी कंट्रोल सिस्टम और शेयर तो आपको क्या बताना है कंप्यूटर इक्विलिटी प्रोग्राम यूटिलिटी प्रोग्राम नॉट इक्विलिटी कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम पूछ पूछा डीजे कह रहे हैं सर अन अकेडमी से कॉल आ रहा है क्या करूं अभी इसमें मैं क्या कह सकता हूं है तो आप बात सुनिए उनकी कॉल आना बंद हो जाएगा है नहीं सत्रह <laughs> का डी द राइट आंसर इज डिस्ट फ्रेगमेंटर इज द राइट आंसर ये फ्रेगमेंट का फ्रेगमेंटेशन होता है मतलब वो जितनी इधर उधर चीजें रखी हैं सभी को एक सही तरीके से स्टैक कर देता है रख देता है फ्रेगमेंटर कहते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 18 जलियावाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियावाला बाग मैस्करे तो जलियावाला बाग मैस्करे के समय हाँ कोड जो यूज करना है वो योगेंद्र ही करना है भाई हाँ कोड यूज योगेंद्र यूज कर जलियावाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के रहे। कौन थे लॉर्ड मिंटो लॉर्ड बैबे लॉर्ड या फिर लॉर्ड लॉर्डोड तो बनेगा आंसर लॉर्ड चैम्सफोर्ड लॉर्ड इरविन तो वैसे भी नहीं रहेंगे उन्नीस सौ इकतीस के समय है याद रखेंगे याद रखेंगे ये चीज ठीक है भाई मेरे तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियावाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत की बाश रहते अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियावाला बाग नरसंहार की जांच के लिए दो समिति बनी थी इन्हें जांच समिति कह सकते हैं तो क्वेश्चन बनता है कि ये जो जांच समिति बनी थी इनमें एक समिति भारतीय थी और एक समिति जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी जो भारतीय समिति थी इसका नाम था हंटर कमीशन और हंटर समिति एक हंटर समिति और भी बनी है शिक्षा को लेकर और एक समिति जो भारतीय थी उसका नाम क्या था तो जो भारतीय समिति थी उसका नाम था मालवीय समिति क्या नाम था मालवीय समिति तो हंटर समिति ने अपनी सिफारिश में क्या कहा ठीक है हंटर समिति ने अपनी सिफारिश में तो यह कहा था कि भाई इन्होंने क्लीन चिट दी थी जनरल माइकल ओडियर को क्लीन चिट दे दी थी को सॉरी आगे चले क्वेश्चन नंबर उन्नीस तिलचट्टों के श्वसन किसके माध्यम से होता है तिलचट्टों का श्वसन रेस्पिरेशन इन कॉकरोच अकड़ थ्रू लंग्स त्वचा स्किन स्किन रंध्रों रेस्पिरेटरी पोर्स या फिर गलफड़ों, मतलब गिल्स के थ्रू बहुत बढ़िया चीज लिखी है कौन से भैया को मुड़ी पटक के प्रणाम कर रहे हो क्या आंसर बन जाएगा श्वास रंधों के थ्रू गलफड़ों के थ्रू फेफड़ों के थ्रू द आंसर विल बी श्वास भी इन्हें हम ट्रैकिया कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं इन्हें हम ट्रैकिया कहते हैं तो ये देखिए छोटी छोटी जगह आपको दिखाई दे रही इन्हीं के थ्रू जो है वो वो क्या करते हैं सांस लेते हैं जो भी तिलचट्टे होते हैं जो भी कॉकरोच होते हैं तो इसी के थ्रू सांस लेते हैं इसी तरीके से अगर हम आप बात करें कि त्वचा के थ्रू तो मेढक जो है वो द्वचा के थ्रू सांस लेता है स्किन के थ्रू सांस लेता है याद रखेंगे ये और गलफड़े गिल्स के थ्रू कौन सांस लेते हैं? फिश वगैरह गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं इंसान फेफड़ों के थ्रू सांस लेता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडवान और निकोबार दीप समूह में बहती है कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है उमर सोमेश्वरी कलपोंग और शिमसेंग क्या बनेगा कलपोंग इज द राइट आंसर तीसरा आंसर सही है कलपोंग नदी ही अंडमान निकोबार में बहती है अंडमान निकोबार में और क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना सेडल पीक आपको याद रखना है कि सेडल पीक कहां पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है बैरन आइलैंड कहां पर है यह भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है यहीं पर सबसे बड़ा एक्टिव है बैरन आइलैंड में यहीं पर सेंटली जनजाति कौन सी जनजाति सेंटली सेंट जनजाति पाई जाती है 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 ना ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि सेंटली जनजाति पर पाई जाती है तो वो भी यहीं पर पाई जाती है और साथ साथ में एक नेशनल पार्क भी पूछा जाता है जरा मुझे बताओ कि कौन सा नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में अभी हाल ही के दिनों में पूछा गया है कौन सा नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में आपको याद है काला पानी की सजा वजह तो सब कुछ याद तुमको पहले से पता है बिल्कुल सही साउथ बैटन नेशनल पार्क क्या नाम है इसका साउथ बैटन बैटन नेशनल पार्क और अंडमान निकोबार में ही दोस्तों सेलुलर जेल है मतलब काले पानी वाली जेल है सिल्वर जेल कह लो या फिर काले पानी की जेल कह लो यहीं पर एक अंग्रेजी गवर्नर की हत्या हुई थी उसका नाम था लॉर्ड मियो क्या नाम था लॉर्ड मियू तो पूछ लिया जाए कि नॉन निकोवर में किस अंग्रेजी गवर्नर की हत्या की गई थी तो वो थे लॉर्ड मियू क्वेश्चन नंबर इक्कीस निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा है कौन सी भाषा है बॉस है नॉटन है स्क्रैच है यूनिक्स है यूनिक्स इज बॉड यूनिक्स इज ओएस ओएस क्या होता है ओएस का मतलब जो कंप्यूटर की पूरी पूरी कंप्यूटर की सिस्टम को चलाता है उसे हम ओएस कहते हैं बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है आगे चलो नॉटन क्या है एंटी मैलवेयर है या फिर एंटी वायरस कह लो इसको तो जो नॉर्टन है वो एंटी वायरस है आपको पता है ना एक समय था जब आप दो हजार का बीस हजार का कंप्यूटर खरीदो तो दो हजार पांच हजार का आपको एंटी खरीदना पड़ता था नहीं तो कंप्यूटर वाले कहते थे सर कोई मतलब नहीं खरीदने का वो तो खराब हो जाएगा अगर आप एंटी नहीं खरीदेंगे कितना बड़ा मार्केट हुआ करता था वो कितनी सारी कंपनी थी मैकेफी थी कैशपे थी खी, कोई खील थी ये वो इतनी सारी कंपनियां एंटी बनाती थी आज कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एंटीवायरस है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जब से माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आया तब से कोई एंटीवायरस है ही नहीं मार्केट में बचा ही नहीं तो वायरस कहां खुद ही वायरस बनाती थी और खुद ही आपके कंप्यूटर में डाल देती थी फिर आप परेशान रहते थे अरे यार आप क्या करें अब तो ये वायरस आ गया है तो एंटीवायरस नॉटन हो गया स्क्रैच इज अ लैंग्वेज स्क्रैच क्या है एक लैंग्वेज है सी इज द राइट आंसर यही एक कंप्यूटर भाषा है स्क्रैच क्वेश्चन नंबर बाईस कुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन और पैकेजिंग निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग करता है क्या हो जाएगा राइबोसोम को क्या कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री प्रोटीन फैक्ट्री ठीक है अब ये जो प्रोटीन बनाता है इसी प्रोटीन को पैकेजिंग करने का काम करता है गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपरेटस सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है इसीलिए गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं क्या कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस इनमें से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नॉट अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस नहीं है जॉयस्टिक प्लॉटर लाइट पेन और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कौन सी नहीं है फटाफट कमेंट करो जॉयस्टिक प्लॉटर लाइटर पेन लाइट पेन और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बताइए आंसर क्या बनेगा भाई देखो ये तो है ओ एम आर लाइट पेन भी है जैस्टी भी है प्लॉटर नहीं है प्लॉटर एक तरीके का प्रिंटर होता है तो बी को हटा हटा दो क्वेश्चन नंबर चौबीस निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं लूनी और कावेरी गंडक और कोसी नर्मदा और ताप्ती महानदी और कृष्णा बताओ भाई क्या आंसर बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं लूनी काबेरी गंडक कोसी नर्मदा ताप्ती महानदी और कृष्णा तो आंसर जो आ रहा है बच्चे आंसर दे रहे हैं नर्मदा सी 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 द राइट आंसर विल बी नर्मदा और ताप्ती दिस इज द राइट आंसर नर्मदा और ताप्ती यही नदी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है और कहां पर गिरती है अरब सागर निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है इसे विश्व की छत भी कहते हैं क्या कहते हैं विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत का पठा दिस इज द राइट आंसर ठीक है पमीर का पठार ऑल्सो नोन एज द पमीर का पठार बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नहीं है कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रकृति से रिलेटेड है एटमोसफेयर से रिलेटेड है इन सभी चीजों से संबंधित होता है यह सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो स्वच्छ जल और स्वच्छता उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण मृत्यु दर में कमी या फिर गरीबी से मुक्ति बोलो भाई क्या आंसर बनेगा तो देखो गरीबी से मुक्ति मृत्यु तो होगा मृत्यु में कमी दिस इज़ द राइट आंसर right निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गांधी पीस प्राइज फॉर दर ऑफ 2020 ट्वेंटी शेख मुजिबुर रहमान डॉक्टर जूलियस ने विल बी द राइट आंसर जिस व्यक्ति को 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो व्यक्ति ध्यान देना उस व्यक्ति ने बांग्लादेश की आजादी में बड़ा रोल प्ले किया है किसकी आजादी में बांग्लादेश की आजादी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पहली चीज दूसरी चीज समझना ठीक है राइट आंसर क्या बनेगा शेख मुजिबुर रहमान और यही व्यक्ति जो है वो शेख हसीना के पिता है किसके पिता है शेख हसीना के पिता ठीक है तो ये है शेख मुजीबुर रहमान ठीक है बांग्लादेश नाइनटीन सेवनटी सेवेंटी वन में इनकी लीडरशिप में बांग्लादेश ने आजादी प्राप्त की थी और इन्हीं को गांधी किया जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किससे संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए श्रम पोर्टल का किया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर लॉन्चेज द श्रम शक्ति पोर्टल टू कलेक्ट द डेटा रिलेटेड टू ट्राइबल बॉन्डेड वर्कर श्रम श्रमिकों को, को लेकर है ट्राइबल माइग्रेट वर्कर को लेकर है या फिर आदिवासी लोग मतलब ट्राइबल पीपल्स को लेकर है देखो कविता कह रही है सोच लो कनपुरिया नागिन है हम देखो अपने आप को नागिन कह रही है ये लड़की है <laughs> ये बहुत अच्छा है <laughs> दूसरा कहे तो कहेंगे मुंह तोड़ देंगे जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय डेफिनेटली यार तो देखो है क्या कि ट्राइबल माइग्रेंट्स जो थे पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो आदिवासी जो प्रवासी लोग थे उधर से उधर गए राज्य में वापस जाने लगे तो इन सभी का डेटा इकट्ठा करने के लिए एक श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया था जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ठीक है भाई और इन ये श्रम शक्ति पोर्टल जो है श्री अर्जुन मुंडे के द्वारा लॉन्च किया गया था डिजिटल डेटा सोल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाय द बैक्टीरिया निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है रूबेला जी जी का पोलियो या फिर डिप्थीरिया इलिमिनेट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा अच्छा पहले आसने तुमको नागिन कहा ओके विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय द बैक्टीरिया रुबेला जीका पोलियो या फिर डिप्थीरिया रुबेला भी वायरस है जीका भी वायरस है और पोलियो भी वायरस बचा क्या डिप्थीरिया डिप्थीरिया इज नॉट अ वायरस ये बैक्टीरिया से होता है डिप्थीरियम होता है जिसे हाथी पांव भी कहते हैं हाथी पांव भी कहते हैं और इसका एक टीका भी है है डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस इन तीनों का कंबाइंड टीका है कौन कौन सा है डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस क्वेश्चन नंबर तीस आलमगीर वॉज द टाइटल ऑफ विच मुगल एंपायर किस मुगल एम्पायर का टाइटल था आलमगीर उसी का टाइटल था जिंदा जिंदापीर कहते थे जिसके समय पर सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे ये उसी के समय पर था जिसके समय पर जिसने अपने भाई दारा शिको की हत्या करवा दी थी दारा शिको की हत्या ये उसी के टाइम पर था जिसके समय पर द राइट आंसर इज बहादुर की हत्या ने करवाई थी ठीक है हाथी से कुचलवा दिया था क्वेश्चन नंबर इकतीस दिस इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी लद्दाख चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी तो ए विल बी द राइट आंसर लद्दाख इसका आंसर सही हो जाएगा सॉरी नॉट लद्दाख जम्मू कश्मीर नॉट लद्दाख एरिया के हिसाब से है ना ये? जम्मू कश्मीर द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बत्तीस आईपीआर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया आईपीआर उन्नीस सौ छप्पन ने भारत की पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया बताओ भाई क्या बनेगा पहले तो आईपीआर ही समझ लो आईपीआर क्या है 1956 और दूसरी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी तो तुमको सबको पता है कि उन्नीस वन से लेकर 1956 तक पहली और 1956 से लेकर 1961 तक दूसरी अब समस्या यह है कि ये दोनों में आ जा रहा है ये पहली भी हो सकता है दूसरी भी हो सकता है तो देखो ऑप्शन में अगर देखोगे तो पहला दूसरा दोनों सही दोनों ही है लेकिन राइट आंसर है दूसरी इसका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसियल रेजोल्यूशन

किस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था भरतपुर आगरा जौनपुर दिल्ली तो देखो तुगलक डायनेस्टी को थोड़ा जाओ तुगलक डायनेस्टी बड़ी जगह पर फैली हुई थी और जब तुगलक डायनेस्टी का अंत हुआ तो उसकी जो क्षेत्र अधिकार में जो छोटे छोटे राज्य थे वो टूटकर अपने अपने राजवंश बनाते चले गए और इन्हीं में सरकी राजवंश भी था और आपको पता है कि जौनपुर किसने बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई फिरोज खां की याद में और जौनपुर में ही सरकी राजवंश का शासन शुरू हुआ अच्छा इसकी स्थापना जो है वो ख्वाजा ए जिन्ना मलिक सरवार के द्वारा की गई जो कि वजीर थे किसके वजीर थे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के वजीर थे समझ गए अगला क्वेश्चन भारत में विश्व कुष्ठ कुष्ठ दिवस मतलब जो लेप्रोसी डे है वो 2021 में कब मनाया गया अब देखो लेप्रोसी डे दे के बारे में ये बात है कि अलग अलग सालों में अलग अलग डे पर मनाया जाता है ये बदलता रहता है कभी पंद्रह जनवरी को कभी छब्बीस जनवरी को कभी 5, कभी किसी मतलब अलग अलग टाइम पर ये से मनाया जाता है तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भैया बताइए कि 2021 में कब मनाया गया क्या बनेगा इकतीस जनवरी को मनाया गया सॉरी इकतीस भी नहीं बल्कि तो तीस, तीस जनवरी को मनाया गया हजार इक्कीस में ये तीस जनवरी को मनाया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्सिकार्सिक किसकी यूनिट होती है तो पार्सिक क्या होता है एक होता है लाइट और फिर ईयर से भी बड़ा होता है पारसिक है ना लाइट ईयर क्या होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी उसे लाइट ईयर कहते हैं और पारसिक क्या होता है उससे भी बड़ी यूनिट होती है तो डेफिनेटली ये लेंथ की यूनिट होगी लंबाई की यूनिट होगी चौथा आंसर सही है इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सॉ अगर आपको पदार्थ की मात्रा मापनी है तो कौन सी इकाई का उपयोग करना पड़ेगा विच यूनिट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सेंस पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग करेंगे मीटर कैल्विन मूल और कैंडेला मीटर कैल्विन मूल और कैंडेला बताओ भाई क्या आंसर बनेगा मीटर कैल्विन मोल और कैंडेला तो क्या हो जाएगा मोल इज द राइट आंसर तीसरा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन हु जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एज ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन जनवरी 2021 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है ब्रिंदा किरात हैं, सुजान चक्रवर्ती हैं, एस सुधाकर रेड्डी हैं या फिर डी राजा हैं। बताइए हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एज ऑफ January 2021? डी राजा इध द राइट आंसर डी राजा इध द राइट आंसर सी नहीं है भैया डी है क्वेश्चन नंबर थर्टी फॉलोइंग स्पोर्ट डू यू एसोसिएट द टर्म यार्ड हिट अब ये इस तरीके का खेल है, पे गोल है। तो एक यहां पर, पर है एक सेंटर में बड़ी सी लाइन होती है सेंटर में बड़ी सी लाइन होती है उसके बाद में एक यहां पर लाइन होती है एक यहां पर लाइन होती है ठीक है एक यहां पर लाइन होती है और ये सिक्सटी यार्ड है ये जो है वो सिक्सटी यार्ड है तो यहां से अगर गोल कर देते तो यार्ड हिट को कहते हैं और ये किसमें आता है हॉकी समझ गए क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये जो लाइन दिख रही है ना आप ये सिक्सटीन यार्ड में आ जाएगी फिर

तो स्पेशल क्लास का जो टाइम है स्पेशल क्लास का जो टाइम है वो कितना है हमारा नाइन थर्टी पीएम ठीक है और एक और चीज है कि एक हफ्ते के लिए चौबीस सितंबर तक ट्वेंटी फोर सेप्टेंबर तक अन अकेडमी की फीस में लगभग पंद्रह परसेंट की कमी आ गई है तो जो भी प्राइजेस आपको पहले दिख रहे थे वो पंद्रह परसेंट रिड्यूस हो गए फिफ्टीन परसेंट लेस हो गए तो फिफ्टीन परसेंट लेस वहां से मिल जाएगा आपको दस परसेंट कोड से मिल जाएगा आपको प्लस दस परसेंट क्विंट से मिल जाएगा आपको तो आप देख लीजिए इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप इन द, इन चार पाँच दिनों में अवेल करते हैं दस बीस पैंतीस परसेंट का डिस्काउंट अभी आपको अवेल हो जाएगा मिल जाएगा समझ गए तो इतना परसेंट डिस्काउंट अभी वर्तमान में चल रहा है जो अनकेडमी की आप सब ले सकते हैं जो फीस है अनकेडमी की वो कितनी है तो जो फीस अभी वर्तमान में है चौबीस महीने की एक साल की जो फीस है पाँच हजार आठ सौ पचास ये भी कम हो गई है और सात हजार बीस है यह भी कम हो गई तो ये नई रिड्यूस फीस आप ऐप पे देख लेना एक बार कितनी फीस है ठीक है भाई तो क्या करना है भाई सभी लोगों को लाइक करना है शेयर करना है और वीडियो को सब और चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करें, करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हाँ भाई क्लास खत्म हो गई बाकी तुमको कोई कुछ पूछना हो कोई जानकारी लेनी हो तो बताओ पीडीएफ हम सेंड कर देंगे टेंशन ना लो पीडीएफ पीडीएफ तुम लोग बहुत करते हो जब देखो सर पीडीएफ भेज दो पीडीएफ भेज दो है ना पढ़ते कम हो पीडीएफ ज्यादा मांगते हो ठीक है तो पीडीएफ वगैरह हम सब भेज देंगे उसकी बिल्कुल टेंशन ना लो चलो अपना ख्याल रखें खुश रहें बाय टेक केयर गुड नाइट